बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग, उसकी हिस्ट्री और उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि कब से स्टार्ट हुई, उसमें इसकी हिस्ट्री क्या है और आज के दौर में इसकी जो एप्लीकेशन है। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हिस्ट्री इसकी, उसके बाद आज के दौर में इसकी जो एप्लीकेशन है वो उसको हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, इनमें बुनियादी फर्क क्या है, रेफ्रिजरेशन क्या चीज है और एयर कंडीशनिंग क्या चीज है। ये बुनियादी असल में दो लफ्ज है और दो प्रोसेस का नाम है। कुछ लोग इनको मिक्स करते हैं कि एक ही चीज, ठीक है, सिस्टम इनका बेसिकली जो वर्किंग प्रिंसिपल एक ही होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो उनकी आउटपुट है या इनका जो प्रोडक्शन है वो दूसरे थोड़ा मुख्तलिफ है। उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यार रेफ्रिजरेशन, इसको अगर हम शॉर्टेस्ट टर्म के अंदर इसको हम डिफाइन करें तो वो अ प्रोसेस बाय विच फूड इज प्रिजर्व्ड बाय रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर। इनका रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके जरिए हम खाने पीने की अशिया को, फूड को, मेडिसिन को हम खराब होने से बचाते हैं। किस तरह चाहते हैं? उनको कूल डाउन करके, उनको ठंडा रख के। यानी कि एक्सपेरिमेंट से चीज साबित हुई है कि जब खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो अशिया हैं, वो खराब तब होती हैं जब उनको एक एक्स्ट्रा हीट मिले या एक्स्ट्रा उनको ऐसा टेम्परेचर मिले जो उनके लिए सूटेबल ना हो। तो जितनी भी खाने पीने की अशिया को अगर हम कूल डाउन रखें, ठंडा रखें, तो वो उनको ज़्यादा देर तक वो देर पा रहती है, उनके अंदर टेस्ट उनका बरकरार रहता है। तो रेफ्रिजरेशन ऐसा प्रोसेस का नाम है जिसके जरिए हम उस फूड के जरिए, फूड किसमें से हीट को निकाल के उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं, और अगले स्टेप में इसको हम फ्रीज करके लंबे अरसे के लिए महफूज भी बना सकते हैं। जैसे हमारे कोल्ड स्टोरेज के अंदर होता है और हमारे जो घरों में डीप फ्रीजर का इस्तेमाल होता है, उसके अंदर हम जब गोश्त या अक्सर चीज़ खाना इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम फ्रीज कर लेते हैं, तो वो लंबे अरसे के लिए इसको हम अपने काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। तो रेफ्रिजरेशन ऐसा प्रोसेस का नाम है कि जिसके जरिए हम खाने पीने की अशिया को खराब होने से बचाते हैं, ठंडा रख के। उसके बाद एयर कंडीशनिंग, प्रोसेस बाय विच अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड फॉर ह्यूमन एंड मटेरियल। इनके एयर कंडीशनिंग से मुराद ऐसा माहौल मुहैया करना है, ऐसा माहौल पैदा करना है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर वहाँ मौजूद अफराद हैं या इक्विपमेंट है उनके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, यानी कि वहाँ पर वो बैठ के ऐसा आराम या सुकून महसूस कर सके। एयर कंडीशनिंग से मुराद हीटिंग या कूलिंग स्पेसिफिक नहीं है, ये ऐसा माहौल क्रिएट करता है बाहर के मौसम के हिसाब से। अगर बाहर ठंड है तो आपको हीटिंग के जरिए कंफर्टेबल माहौल देगा, और अगर बाहर गर्मी है तो आपको कूलिंग के जरिए कंफर्टेबल माहौल देगा। बाहर हवस का मौसम आपको फ्रेश एयर के जरिए कंफर्टेबल माहौल देगा। तो एयर कंडीशनिंग से मुराद ऐसा प्रोसेस के जिसके जरिए एक बंद कमरे में, बंद जगह पे वहाँ मौजूद अफराद, ह्यूमन बीइंग, जानवर या वहाँ मौजूद जो इक्विपमेंट है उनके लिए आराम दे माहौल, पुरसकून माहौल मुहैया किया जा सके। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ह्यूमन एंड मटेरियल। ह्यूमन से मुराद इंसान है, जानवर इनके लिए हम एयर कंडीशनिंग का सेटअप बनाते हैं उनकी कंफर्ट के लिए। दूसरा होता है मटेरियल, आज के वक्त में जो हम आगे मैं एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे ये इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो जो कुछ जगह पर एयर कंडीशनिंग बेसिकली वो इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था, तो उसका मकसद ये था कि जो मशीनरी, इक्विपमेंट है, प्रोसेस है, उनको हम एक जो उनका रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो मुहैया किया जाए ताकि वो प्रोसेसिंग के अंदर उनको आसानी रहे। तो ये दो डेफिनेशन थी, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस और एयर कंडीशनिंग प्रोसेस। अब हम आते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा लेक्चर का, हिस्ट्री। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की हिस्ट्री इतनी ही पुरानी है जितनी इंसान खुद इंसानी तारीख। इसको अगर हम जब से इंसान के वजूद, अल्लाह पाक ने इसको दुनिया में महबूस किया, भेजा, तो तब से इंसान को इन दो चीज़ों की जरूरत पड़ी। इंसान को सबसे बेसिक जो तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके पहले उसका लिबास है, उसके बाद उसकी खुराक है, उसके बाद उसकी रिहाइश है। ये तीन इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। खुराक के बाद इंसान को जरूरत पड़ी खाने पीने की, तो खाने पीने की अशिया जब उसको मुहैया हुई, उसके बाद उसको एहसास हुआ कि ये इन चीज़ों को आने वाले वक्त भी महफूज भी बनाना है, ऐसी जगह पर इसको महफूज करना है, सेव करना है कि वो ऐसे सीजन में हमारे काम है जब वो उन चीज़ों की प्रोडक्शन नहीं होती। तो उस सिनेरियो में इंसान के जहन में चीज को, खुराक को महफूज बनाने का, स्टोर करने का एक ख्याल जहन में आया, तो उसके लिए बर्फ का इस्तेमाल किया गया, ठंडी जगहों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद बात करें कंडीशनिंग की, तो कंडीशनिंग का जो कंसेप्ट है वो इंसान को तब से मिलता है जब इंसान को गर्मी में, धूप में गर्मी महसूस हुई तो उसने साए की तलाश की, बारिश में, सर्द आंधी में उसको जब तकलीफ का एहसास हुआ तो उसने घरों में एक बना ली।
तो इंसान की जो शुरू से उसकी मेंटेलिटी में ये बात डाल दी कि अपने आप को सिक्योर इन्वायरमेंट पर सकून इन्वायरमेंट और अपने खुराक का तहफ़ ये इसके इंसान की शुरू जिबलत में चीज़ शामिल है। तो तब से इंसान इन चीज़ों की खोज में रहा है, इन चीज़ों की तलाश में रहा है कि अपने आप के लिए आसानियाँ रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से और खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए आसानियाँ के सिलसिले में इंसान के तो तक दो जारी रही है। अगर हम एक नॉन हिस्ट्री की बात करें, जो एयर कंडीशनिंग का पहला हमें कंसेप्ट मिलता है वो मिस्र के जो फ़राइन थे, फिरौन थे, उनकी हिस्ट्री से मिलता है कि उन्होंने अपने जो अहराम बड़े बड़े खड़े किए गए बड़ी मोटी दीवारों, पत्थर की दीवारों के, तो उन दीवारों के दो पार्ट होते थे। एक पार्ट वो होता था जो फिक्स होता था दीवार का, एक पार्ट वो होता था जो मूवेबल पार्ट होता था। तो उन मूवेबल पार्ट्स को रात के वक्त हजारों गुलामों को इस्तेमाल करके उन पत्थर की जो दीवारों को अलग किया जाता था, ताकि रात की जब ठंडक होती है रेगिस्तान के अंदर ठंडी और ठंडी होती है, तो उसकी जो कूलिंग की वजह से वो अंदर की दीवारें हैं वो ठंडी हो जाती थी। उसके बाद सुबह सूरज निकलने से पहले पहले दोबारा उन दीवारों को अपनी जगह पे प्लेस कर दिया जाता था उन्हीं गुलामों को इस्तेमाल करके। तो उससे ये होता था कि वो जो अंदर जो दीवार ठंडी है वो दिन के काफी हिस्सा ठंडी रहती थी, बाहर जो तपिश है उन दीवारों तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि बाहर दोबारा खड़ी कर दी जाती थी। दूसरी टेम्परेचर है वो बाहर का और आधे अंदर के टेम्परेचर का 50% डाउन होता था। तो ये हमें नॉन हिस्ट्री में। इसके बाद हम मुगल में पाकिस्तान इंडिया में देखें तो मुगल सल्तनत थी, उसमें जब अपनी बिल्डिंग उनमें कुदरती हवा का गुजर होता था, चाहे वो कोई भी बिल्डिंग है, आगरा का ताजमहल है, बादशाह मस्जिद है, लाहौर का शाही किला है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, ठट्ठा की शाही मस्जिद है, तो ये वो बिल्डिंग थी जिनके अंदर, इसके अलावा हजारों बिल्डिंग जो मुगलों ने हिंदुस्तान में पाकिस्तान में कायम की, तो उनके अंदर कोई नेचुरल हवा का गुजर थ्रू फुवारों के जरिए किसी जगह पे ठंडे करके पूरे बिल्डिंग अंदर हवा का गुजर होता था। तो वो एक कंडीशनिंग का एक कंसेप्ट था। अगर हम मौजूदा जदीद दौर की बात करें तो इसके अंदर हमें 1902 में सर विलियम्स कैरियर ने जो पहला मॉडर्न एयर कंडीशन ईजाद किया वो आज के दौर के कंडीशनिंग के मुकाबले बहुत बड़ा था। और उसके बाद कैरियर कंपनी ने बहुत, आज भी दुनिया में उसका एक नाम है और इसकी हमें बहुत सारी हमें प्रोडक्शन प्रोडक्ट मिलती हैं। और उसके बाद को ग्रेजुअली इसको छोटे लेवल पे बनाया गया और आज के दौर में आपको जदीद किस्म के कंडीशन बहुत वैरायटी में आपको मिलते हैं। उसके बाद हम देखें रेफ्रिजरेशन, तो रेफ्रिजरेशन 1800 समथिंग में इसका एक 18वीं सदी में इसका ईजाद हो चुकी थी रेफ्रिजरेशन को डोमेस्टिक पर्पज के लिए, जो छोटी सी रेफ्रिजरेटर अब्जॉर्प्शन टाइप जो बनाई गई। और उसके बाद इसको 1923 में जाके हमें जो पहला जो फ्रीजर या एक प्रॉपर रेफ्रिजरेटर का हमें मॉडल मिलता है हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद जो जो जदत आती गई चीज़ें हमें इन्वेंट होती गई। तो ये जो चीज़ें हमने अब तक हमारे सामने आई हैं उनकी जो बुनियाद है वो 18वीं 19वीं सदी में रखी गई थी। उसके बाद आज हमारे सामने जो मौजूदा शक्ल है रेफ्रिजरेशन स्क्रेटर की और एयर कंडीशनर की वो सामने मौजूद है। अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ के आज के दौर में इसकी एप्लीकेशन का सवाल कहाँ कहाँ पे है। तो अगर हम अपनी एक नज़र दौड़ाएं आज के टाइम में, तो आज से हम 20 साल पहले पीछे जाएं, तो हमारे इसका जो एप्लीकेशन इसका जो इस्तेमाल है वो हमारी जिंदगी के तीनों शोबों, डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, तीनों शोबों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो जो टाइम गुजर रहा है एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन का जो इक्विपमेंट है, HVAC का इक्विपमेंट है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो डिमांड है वो बहुत बढ़ रही है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू स्किल्ड वर्कर इनका जो बिजनेस है वो भी बहुत ग्रो हो रहा है। तो जो लोग आज इस फील्ड में कदम रख रहे हैं उनके लिए में बहुत मौके हैं, बहुत ज़्यादा इनके चांसेस आगे बढ़ने के अगर इसके अंदर वो अपने आप को मेहनत करते हैं, ग्रो करते हैं। इसका जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसमें अगर हम डोमेस्टिक से घरेलू से हमारे घर में, हम देखते हैं हर घर में आज रेफ्रिजरेटर मौजूद है, हर चौथे पांचवें घर के अंदर एयर कंडीशनिंग अगर हम एवरेज निकालें मौजूद है। उसके बाद हम इनका जो इस्तेमाल है वो पहले आज से 20 साल पहले फ्रिज हर घर में नहीं थी, एयर कंडीशनिंग आम नहीं था, आज वो इन्वर्टर एसी के आने से, स्प्लिट एसी के आने से हर एक मिडिल बंदे की अप्रोच में ये चीज़ आ चुकी है। उसके बाद अगर हम जाते हैं रेफ्रिजरेटर, आज से 20 साल पहले रेफ्रिजरेटर पूरा साल इस्तेमाल नहीं होता था, सिर्फ गर्मी में बर्फ के लिए और चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल होता था, सर्दी के अंदर रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल नहीं होता था। आज के वक्त में रेफ्रिजरेटर पूरा साल 24 घंटे इस्तेमाल होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू इनकी डिमांड बढ़ रही है। नेक्स्ट हमारा आता है कमर्शियल, तो कमर्शियल में हम देखते हैं कि पहले सिर्फ रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल होता था दुकानों में कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखने के लिए, या किसी भी अब होटल के अंदर गोश्त को या खाने को फ्रीज करने, स्टोर करने के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं जो बेकरीज के अंदर
हमारे जितने भी छोटे होटल हैं, बड़े होटल हैं, हमारे जो मेडिसिन कंपनी है उनके अंदर मेडिसिन को स्टोर करने के लिए, तो ये सब चीज़ों के अंदर रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्पेशली जो हमारी बेकरी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बिजनेस है हमारे इस माहौल का, तो उसके में के अंदर जो वॉकिंग चिलर्स हैं, आइसक्रीम कैबिनेट्स हैं, वो उनकी उसके बगैर कोई भी आगे बेकरी मुकम्मल नहीं है। तो ये काम अभी पहले काम होता था करते सीजनल सीजनल का, अब नहीं रहा, अब ये काम आपका 20 पूरा साल ही काम चलता रहता है, क्योंकि उनको जो आपका बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं उनको एक खास माहौल, खास टेम्परेचर चाहिए जिसके अंदर उनको अपनी असल हालत बरकरार, टेस्ट वो बरकरार रखती है, चाहे वो सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ, उनको अपना खास टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। तो ये हमारा कमर्शियल कमर्शियल अगर हम थोड़ा सा आज के दौर में आए, तो आज से कुछ 15-20 साल पहले पाकिस्तान की बात करें तो छोटी मार्केटों का रिवाज था, आज वो मार्केटों का ट्रेंड खत्म होता है, कम होता जा रहा है, तो बड़े बड़े मॉल प्लाजों का एक ट्रेंड चल पड़ा है बड़े शहरों के अंदर, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, छोटे शहर फैसलाबाद है, बड़े बड़े छोटे शहरों में भी अभी मॉल्स बनते जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स, उन मॉल के अंदर एक मखसूस इन्वायरमेंट के अंदर हर तरह का बिजनेस, हर तरह की मार्केट, हर तरह की चीज़ वहाँ पर मुहैया होती है, और उसके अंदर पूरा साल वो इस्तेमाल होते हैं, और पूरा साल जब उनके अंदर हमें एक कंडीशनिंग पूरा साल साल के 12 महीने चाहिए, क्योंकि सर्दियों में भी अंदर हमें गर्म माहौल चाहिए और गर्मियों के अंदर हमें वहाँ पर टेम्परेचर डाउन चाहिए, तो पूरा साल वो एक कंडीशनिंग इस्तेमाल होता है, तो उसकी डिमांड हिसाब से बढ़ रही है। फिर हम आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो इंडस्ट्री एक कंडीशनिंग इतनी ही पुरानी जैसे इंडस्ट्री ने खुद वजूद में आई है, इंडस्ट्री जब वजूद में आई तभी एक कंडीशनिंग का इस्तेमाल इंडस्ट्री में हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री प्रोसेस इंडस्ट्री हो, डिफेंस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, इसके हर एक के अंदर सर्विसिंग इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री के अंदर चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हर जगह पे मुख्तलिफ टेम्परेचर, मुख्तलिफ ह्यूमिड इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो उनके लिए हमें साथ साथ उनको एयर कंडीशनिंग का सेटअप एक बनाना पड़ता है इंडस्ट्री को, उस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। तो आज जो जो इंडस्ट्री बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, तब तब उसके साथ साथ एयर कंडीशनिंग HVAC का जो इंडस्ट्री वो साथ साथ उतनी ही ग्रो हो रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन, रेफ्रिजरेशन क्या चीज़ है, एयर कंडीशनिंग क्या चीज़ है, हिस्ट्री इसके हमने कवर की, और उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन को डिटेल से डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर होगी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।